अंकुश, रुद्र, समीर और अर्जुन हवेली के बाहर चले जाते हैं। अब बता मोटे, तूने हमें बाहर क्यों बुलाया? अर्जुन ने कहा, यार तुम लोगों ने एक बात नोटिस की? पीयूष ने कहा, कैसी बात? समीर ने कहा, ये जो माखनलाल है, पहले जब भी किसी का खून होता था तो खुद कहता था कि चुड़ैल ने ही मारा होगा, इससे उससे बहुत डर लगता था। पर इस बार जब कुलदीप का खून हुआ है तो एक कातिल को पकड़ने का कह रहा था, और ठाकुर साहब भी कह रहे थे कि किसी ने उनसे जाति दुश्मनी निकाली है। मतलब तो ये कहना चाहता है कि कुलदीप को उस चुड़ैल ने नहीं मारा, किसी और ने मारा है। रुद्र ने कहा, हाँ भाई एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ। पर किसने मारा होगा यार कुलदीप को? अर्जुन ने कहा, अब यही तो माखनलाल जी पता कर रहे हैं। लगता है कुछ बड़ा सबूत लगा है उनके हाथ में। देखा नहीं कितने कॉन्फिडेंस के साथ ठाकुर साहब से कह रहे थे कि जल्द से जल्द कातिल को पकड़ लेंगे। हाँ यार मैंने भी देखा, पर एक बात नहीं समझ आई, ये माखनलाल समीर और तन्वी के ब्लड सैंपल्स लेकर क्यों गया है? ये उनका क्या करेगा? रुद्र ने कहा, पता नहीं यार, यही तो हैरान करने वाली बात है। अर्जुन ने कहा, खैर छोड़ो, ये सब जो भी होगा देखा जाएगा, पर पहले हमें यहाँ के हालात ठीक करने पड़ेंगे। वो लोग किसी भी वक्त कुलदीप की बॉडी को लाते ही होंगे, हमें मृत्युशैया की तैयारी शुरू करनी चाहिए। हाँ ठीक है। तीन बज गए थे और माखनलाल पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। माखनलाल अपना फोन निकालता है और किसी को फोन लगाता है। हेलो साइबर क्राइम, मैं गोंदिया स्टेशन से थानेदार माखनलाल बोल रहा हूँ। जी माखनलाल जी बोलिए। फोन के अंदर से एक आवाज आती है, मैं आपको तीन मोबाइल नंबर सेंड कर रहा हूँ, मुझे तीनों के मोबाइल की कॉल हिस्ट्री चाहिए कि कब किसने किसको कॉल किया, ठीक है? जी समझ गया, आप बेफिक्र रहिए, मैं तीनों नंबर की कॉल हिस्ट्री निकाल देता हूँ। साथ ही मुझे इन तीनों मोबाइल की कल रात की लोकेशन हिस्ट्री भी चाहिए कि कल रात ये तीनों मोबाइल कहाँ पर थे। जी ठीक है, मैं दे देता हूँ आपको लोकेशन और कॉल हिस्ट्री निकाल कर। कब तक दे देंगे आप मुझे? जी मैं आपको कल तक दे देता हूँ ना। जी नहीं, कल तक तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे आज अभी एक घंटे के अंदर ही ये डाटा चाहिए। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डेटा कलेक्ट करके दे देता हूँ। जी ठीक है। इतना कहकर माखनलाल अपना फोन कट कर देता है। माखनलाल कुर्सी पर बैठकर सोचने लग जाता है कि अब वो क्या करे। उसके टेबल के ऊपर ही कुलदीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखी हुई थी। उस रिपोर्ट को उठाता है और उसे पढ़ने लग जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते ही माखनलाल रुक जाता है और खुद से कहता है, पता नहीं ये साहब भी कब आएंगे। एक तो वैसे ही मुझे इंग्लिश कम पढ़नी आती है, ऊपर से पूरी रिपोर्ट इंग्लिश में है, अब मैं इसे कैसे पढ़ूं? हे भगवान, साहब को जल्द से जल्द भेज दीजिए और मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाइए। माखनलाल ने इतना कहा था कि पुलिस स्टेशन के अंदर अजय आ जाता है। अजय ने अपने हाथ में ट्रैवलिंग बैग पकड़ा हुआ था और वो बहुत थका हुआ नजर आ रहा था। और माखनलाल, किससे छुटकारा पाना चाहते हो तुम? मुझसे तो नहीं, अजय ने कहा। अजय को देखकर माखनलाल कुर्सी से खड़ा होता है और अजय को सैल्यूट करते हुए कहता है, जय हिंद साहब, जय हिंद। जय हिंद माखनलाल, मेरे सवाल का जवाब तो दे दो, किससे छुटकारा पाने की बात कर रहे हो, कहीं वो मैं तो नहीं? अरे नहीं नहीं साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, भला मैं आपसे छुटकारा पाकर क्या करूंगा, मुझे तो आपके साथ ही रहना है और मुझे आपके साथ हमेशा रहने में मजा भी आता है, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा फिर किसकी बात कर रहे थे तुम माखनलाल? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की साहब। माखनलाल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट अजय को दिखाते हुए कहा, ये किसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है माखनलाल? अजय ने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने हाथ में लेते हुए कहा, कुलदीप की साहब। क्या कहा? कुलदीप की? अजय ने हैरानी के साथ कहा, हाँ साहब, आप जब यहाँ पर नहीं थे तो यहाँ बहुत बड़ा कांड हो गया, रात ही रात में कुलदीप का किसी ने खून कर दिया। क्या कहा? किसी ने कुलदीप का खून कर दिया? हाँ साहब, और आपको पता है साहब, कुलदीप की लाश की भी नाभि गायब है। माखनलाल, अब तुम ये मत कहना कि कुलदीप को भी उसी मेघ की चुड़ैल यानी कि छाया ने मारा है, समझे? नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि उस चुड़ैल की आड़ लेकर किसी ने अपनी निजी दुश्मनी निकाली है ठाकुर साहब से। क्या कहा?
मेरी दुश्मनी? पर तुम इतना श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो कि किसी ने ठाकुर साहब से अपनी निजी दुश्मनी निकाली है? और एक बात और, आज तक तो तुम कहते थे कि वो चुड़ैल ही सबसे बदला ले रही है और वही लोगों की नाभि गायब कर रही है, फिर आज एकदम से तुम्हारे विचार कैसे बदल गए? ये चमत्कार कैसे हो गया? वो इसलिए साहब क्योंकि डॉक्टर माधवी को कुलदीप की शर्ट पर किसी के खून के निशान मिले हैं और उन्हें लगता है कि वो खूनी के ही हैं। अच्छा, तो फिर क्या तुम्हें पता चला कि किसका खून कुलदीप की शर्ट पर लगा हुआ था? नहीं साहब, अभी तक तो नहीं पता चला, पर जल्द पता चल जाएगा। मुझे ना दो लोगों पर शक था, इसलिए मैंने उनके ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। किन पर शक था माखनलाल तुम्हें, बताओ मुझे। माखनलाल अजय के सवाल का जवाब देता उससे पहले ही उसका मोबाइल बजने लग जाता है। माखनलाल अपना फोन उठाते हुए कहता है, हेलो। हाँ डॉक्टर माधवी, कहिए। क्या कहा? ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आ गई। जल्दी बताइए डॉक्टर माधवी, किसका ब्लड था कुलदीप की शर्ट पर? हे भगवान। ठीक है डॉक्टर माधवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर माखनलाल अपना फोन कट कर देता है। क्या हुआ माखनलाल, तुम्हें पता चल गया क्या कि किसका खून कुलदीप की शर्ट पर लगा हुआ था? अजय ने पूछा। हाँ साहब, पता चल गया है कि किसका खून कुलदीप की शर्ट पर लगा था और खूनी कौन है, सब पता चल गया है। तो फिर बताओ माखनलाल कौन है, जल्दी बताओ माखनलाल। साहब आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ, मैं आपको रास्ते में सब बताता हूँ। ठीक है चलो। अजय अपना ट्रेवलिंग बैग वहीं पर रख देता है और माखनलाल के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है। शाम के 4 बज गए थे। महेंद्र सिंह के घर में मातम छाया हुआ था। कुलदीप की अर्थी रखी हुई थी। तन्वी और ठकुराइन का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, दोनों का ही गला सूख गया था। महेंद्र सिंह भी शोक में डूबे हुए थे। अब हमें ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, कुलदीप की अर्थी को उठाना चाहिए, वहीं पर खड़े महेंद्र सिंह के एक रिश्तेदार ने कहा। हाँ वक्त हो रहा है, फिर रात में तो शव नहीं चलाए जाते ना, वहीं पर खड़े एक आदमी ने कहा। आइए ठाकुर साहब, कंधा लगाइए, ठाकुर साहब के एक रिश्तेदार ने कहा। ठाकुर साहब अपनी जगह से खड़े होते हैं और रोते हुए कुलदीप की अर्थी के पास बढ़ने लग जाते हैं। कुलदीप की अर्थी को उठता हुआ देखकर ठकुराइन और तन्वी जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। वहां पर बैठी सारी औरतें रोना शुरू कर देती। ठाकुर साहब कुलदीप की अर्थी को उठाने ही वाले थे कि तभी वहां पर माखनलाल और अजय आ जाते हैं। माखनलाल और अजय को देखकर ठाकुर साहब रुक जाते हैं। माफी चाहेंगे ठाकुर साहब, ऐसे हालात में आपको परेशान तो नहीं करना चाहते, पर क्या करें, काम ही कुछ ऐसा था कि आना पड़ा, अजय ने कहा। कहिए इंस्पेक्टर अजय, आपको क्या काम था? महेंद्र सिंह ने कहा। आपके बेटे के कातिल का पता चल गया ठाकुर साहब। क्या कहा, कातिल का पता चल गया? बताइए इंस्पेक्टर अजय कौन है वो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ठाकुर साहब ने गुस्से में कहा। वो आप ही के बीच में से कोई एक है। क्या कहा, हमारी बीच में से एक है, पर कौन, बताइए बताइए इंस्पेक्टर अजय कौन है वो। सभी लोग एक दूसरे के चेहरे देखने लग जाते हैं। यार ये माखनलाल तो कुछ ज्यादा ही तेज निकला, देखो एक दिन में खूनी का पता लगा लिया, और देखो क्रेडिट कौन ले रहा है, इंस्पेक्टर अजय, पीयूष ने कहा। यार ये सब छोड़ो, पर ये सोचो कि खूनी कौन होगा, किसने कुलदीप को मारा होगा और उसे कुलदीप को मारकर क्या मिलेगा, समीर ने कहा। पीयूष रुद्र को घूरने लग जाता है। पीयूष को घूरता हुआ देखकर रुद्र उसे पूछता है, क्या हुआ मोटे, तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, कहीं तूने तो कुलदीप को नहीं मारा, पीयूष ने धीरे से कहा। पागल हो गया क्या मोटे, आखिर मैं कुलदीप को क्यों मारूंगा, कुलदीप को मारकर मुझे क्या मिलेगा, रुद्र ने कहा। तन्वी, रुद्र, तन्वी, तू तन्वी से प्यार करता था ना? यार मोटे, तू ना कुछ भी मत बोला कर, समझा, बोलने से पहले जरा सोच तो लिया कर। कल पूरी रात तो रुद्र मेरे साथ था, उसके बचपन के अतीत में वो कैसे कुलदीप को मार सकता है।
अर्जुन ने कहा। हाँ यार सॉरी, पीयूष ने कहा। बताइए इंस्पेक्टर अजय, किसने मेरे बेटे को मारा? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, ठकुराइन ने कहा। आपको ये जानकर हैरानी होगी पर यही सच है, कुलदीप को और किसी ने नहीं बल्कि आपकी बहू तन्वी ने मारा है। क्या कहा? तन्वी ने? ठकुराइन और महेंद्र सिंह ने एक साथ कहा। ये क्या, पत्नी ने ही पति को मार दिया? आसपास खड़े लोगों ने कहा। हे भगवान, ये कैसी पत्नी है? वहीं पर खड़े एक और आदमी ने कहा। कैसी नीच है ये औरत, अपने पति को ही खा गई। वहीं पर बैठी एक औरत ने कहा। तन्वी कुछ नहीं बोल रही थी, वो चुपचाप कुलदीप की लाश को देखे जा रही थी। ये आप क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहू आखिर मेरे बेटे को क्यों मारेगी? ठकुराइन ने कहा। ऐसा हम नहीं ठकुराइन जी, सबूत कह रहे हैं। आपको भी पता है कि हम पुलिस वाले बिना सबूतों के कुछ नहीं कहते हैं। सारे सबूत तन्वी के खिलाफ हैं। आपकी बेटी की शर्ट से जो खून हमें मिला था वो किसी और का नहीं बल्कि आपकी बहू तन्वी का था। क्या कहा, मेरी बहू तन्वी का? पर हाँ, वरना आप ही बताइए उसके हाथ में चोट कैसे लगी? ये चोट तो मेरी बहू को कॉफी बनाते हुए लग गई थी। नहीं ठकुराइन जी, आपकी बहू ने आपसे झूठ बोला था। ये चोट उसे कुलदीप के साथ हाथापाई करते वक्त लगी होगी, उसी वक्त उसके खून की कुछ बूंदें कुलदीप के शर्ट पर लग गई होंगी। और हाँ एक बात और, कल कुलदीप के फोन रिकॉर्ड से पता चला है कि रात 3 बजे तन्वी ने कुलदीप को करीब 50 से ज्यादा बार कॉल किया है और एक भी बार कुलदीप ने तन्वी का कॉल नहीं उठाया था। क्या मैं जान सकता हूँ मिसेस तन्वी कि आपके और कुलदीप के बीच रात में ऐसा क्या हुआ था कि 50 बार कॉल करने के बाद भी कुलदीप ने आपका कॉल नहीं उठाया? तन्वी अजय की बात का कुछ जवाब नहीं देती। कल रात आपके फोन की लोकेशन भी मेघ गांव की ही मिली है, ठीक उस वक्त की जब कुलदीप वहां था। आप दोनों की फोन की लोकेशन ये साबित करती है कि आप दोनों कल रात साथ साथ मेघ गांव के अंदर ही थे और आप दोनों की जरूर किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई होगी और आपने उसी कहा सुनी में कुलदीप का खून कर दिया होगा। बोलो तन्वी बेटा, ये इंस्पेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, जवाब दो। बोल दो कि ये सारे आरोप झूठे हैं, तुम निर्दोष हो, बोल दो तन्वी बेटा, ठकुराइन ने रोते हुए कहा। तन्वी ठकुराइन की बात का भी कोई जवाब नहीं देती, वो मूर्ति बनकर बस खड़ी हुई थी। आखिर वो जवाब भी देती तो क्या देती, उसे तो खुद पता नहीं था कि रात में उसके साथ क्या हुआ था। उसे तो बस ये याद था कि रात को उसके और कुलदीप के बीच में झगड़ा हुआ था और वो कमरे से बाहर चला गया था। मिसेस तन्वी, आपकी चुप्पी साफ साफ बताती है कि आप ही कुलदीप की कातिल हैं और इतने सबूत आपको अरेस्ट करने के लिए काफी हैं। अरेस्ट कर लीजिए मिसेस तन्वी को और बाकी सब सवालों के जवाब हम थाने में उगलवा लेंगे। हम पुलिस वालों को मुजरिमों के मुंह से सच उगलवाना अच्छे से आता है। महिला कांस्टेबल जो कि अजय और माखनलाल के साथ ही आई थी, तन्वी का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से ले जाने लगती है। कुछ कर रुद्र, कुछ कर, वरना ये लोग हमारी दोस्त तन्वी को जेल में बंद कर देंगे, अर्जुन ने कहा। क्या करूं, ये तन्वी की जिंदगी थी और उसने ही अपने लिए जिंदगी चुनी थी, तो अब जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदार वो खुद है, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर रुद्र हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, समीर ने कहा। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, जो हो रहा है वो बस होते हुए देखते जाओ, समझे, वरना हो सकता है इंस्पेक्टर अजय हमें भी अपने साथ ले जाए, रुद्र ने कहा। रुद्र की बात सुनकर अर्जुन हैरान हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि रुद्र इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है। वही रुद्र जो कभी तन्वी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार था, आज उसी रुद्र ने तन्वी को मुसीबत में पड़ा देख कर उससे अपना मुंह मोड़ लिया था। तन्वी अपना सिर नीचा करके वहां से अजय, माखनलाल और एक महिला कांस्टेबल के साथ जाने लगती। रुद्र और उसके दोस्त गेट के पास ही खड़े थे। तन्वी नीचे मुंडी करके बाहर जा ही रही थी कि उसकी नजर गेट पर खड़े रुद्र पर पड़ती है और वो अपना सिर ऊपर करके रुद्र को देखने लग जाती है, इस उम्मीद के साथ कि रुद्र उसकी मदद करेगा। चाहे सारी दुनिया उसे गलत समझे पर रुद्र उसको कभी गलत नहीं समझ सकता था। रुद्र भी तन्वी को देखने लग जाता है। तन्वी इस उम्मीद से रुद्र की तरफ देख रही थी कि रुद्र कुछ तो बोलेगा और उसकी मदद करेगा, पर रुद्र ऐसा कुछ नहीं करता और अपना सर दूसरी ओर मोड़ लेता है। तन्वी वापस से अपना सर नीचे करती है और वहां से बाहर निकल जाती है।
पुलिस कुलदीप की कातिल तन्वी को जिप्सी में बैठाकर वहां से ले जाती है।